ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات लायक सद एहतराम मोमिनीन और मोमिनात, तीन रोज़ा मजालिस अज़ा का ये जो सिलसिला है जिसकी ये पहली गुफ्तगू है, अस्हाबे बरगुज़ीदा रिसालत माप का कुछ ज़िक्र आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जा रही है। मगर चूँकि आज का जो दिन है वो दिन सरकार अबुल हसन बाबुल हवाइज आका अनीसुल नफूस शम्सुल शमूस अल मदफून व अर्ज़तूस मौला वाका अली इब्न मूसा रज़ा अलैह आलाफुत तहियत व सना मौला की शहादत के एतबार से मारूफ है। एक रिवायत के मुताबिक माह सफ़र की आखिरी दिन मौला रज़ा अलैहि सलातो व सलाम की शहादत वाक़ हुई है। लेकिन अज़ान मोहतरम तकरीर का एक हिस्सा मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के एतबार से होगा और तमहीदी जो गुफ्तगू हमारे अगले दो दिन के एतबार से जो मौजू है उसका होगा वो अभी आपकी खिदमत में गोश गुजार की जा रही है। लेकिन मौला का नाम आया
और दुरूद नहीं पढ़ी गई, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हम सारे मिलकर एक बुलंद आवाज से मुहम्मद मुहम्मद। अस्हाब रसूल अकरम के सहाबा कहते हैं, साथी सोहबत इख्तियार करने वाले को सहाबी कहा जाता है, और जो इसकी जमा है उसे अस्हाब कहा जाता है। और जो अफराद रिसालत माप के साथ साथ रहे, जिन्होंने रिसालत माप का दौर दर्क किया, या अब मुख्तलिफ एतबारात से लोगों ने अपने अपने एतबार से डेफिनेशंस और तारीफ़ें अलग अलग बनाई हुई हैं। कोई ये कहता है कि जिसने रसूल की ज़्यारत की और जिसने रसूल का ज़माना देखा वो सहाबी। लेकिन अज़ान मोहतरम, एक बात तय है कि रसूल अकरम के असहाब के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो रसूल के साथ साथ रहे, बल्कि साथ सारे हैं जिन्होंने रसूल का दौर देखा। अब जिसने रसूल का दौर देखा, अगर ये कहा जाए कि हर वो शख्स के जिसने रसूल का दौर देखा वो सहाबी है, तो इसमें अबू जहल अबू लहब उसका भी नाम है कि जिसने रसूल का दौर देखा। अब हमें ऐसों का जिक्र करना है ख़ास तौर से कि जो फ़ख्र का बाइस बने, रिसालत माप की आँखों की ठंडक करार पाने वाले, जिनके लिए जैसे कि सलमान। अब जब जनाब सलमान ने खंदक का मशवरा दिया था ना, ये जो जंगे खंदक के अंदर खंदक बनी है, खंदक किसे कहते हैं, डिचेस को कहते हैं, डिच इंग्लिश में कहते हैं, खंदक यानी कि गढ़ा, गढ़े खोदे जाएं, बड़े बड़े गढ़े बनाए जाएं, ताकि अगर हमला करने वाली फौजें आ रही हैं तो जब खंदक पर पहुंचे तो उसे उबूर ना कर सकें, खंदक के अंदर ही गिर जाए। जब ये मशवरा हजरत सलमान ने दिया, हजरत सलमान ने, जनाब सलमान मोहम्मदी ने दिया, तो लोगों ने, सब ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भाई हम मुहाजिरीन में से हैं, सलमान मुहाजिरीन में से थे, एक मुहाजिर एक अंसार। जब जनाब सलमान ने इतना अच्छा मशवरा दिया कि रसूल की खुशी का बाइस बने, जनाब सलमान को परवरदिगार आलम के रसूल ने जन्नत की बशारत भी दी, और रसूल अकरम ने खुश होकर एक सनद दी जनाब सलमान को, लेकिन वो बाद में, पहले ये सुने, हर कोई ये कहने लगा भाई तुम्हें पता है मैं मुहाजिरीन में से हूं, मैं मुहाजिरीन में से हूं। क्यों? क्योंकि सलमान मुहाजिरीन में से, सलमान का मुहाजिर होना, मुहाजिरीन से निस्बत पा लेना इतना अजीम हो गया कि अगर कोई अपने आप को मुहाजिरीन में से कह रहा है तो बाइज्जत करार पा रहा है। हर कोई कह रहा है कि मैं मुहाजिरीन में से हूँ, क्यों? क्योंकि सलमान मुहाजिरीन में से है, मगर रिसालत माप कह रहे हैं कि तुम कहते हो मुहाजिरीन में से है फलां, तुम कहते हो अंसार में से है, तुम कहते हो इनमें से है, फलां कहता है उनमें से है। मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछो, असलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है, सलमान मिन्ना अहलल बैत। अब बहरहाल एक तफसील तवील है, जनाब सलमान हो गए, जनाब अबूज़र हो गए, जनाब मिकदार हो गए, जनाब अम्मार हो गए, हर एक की मुस्तकिल एक तारीख है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा जाता है, छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलातु वस्सलाम, मौला इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने ईमान के 10 दर्जे रखे, और उन 10 दर्जों में से मिकदाद 8वें दर्जे पर है, अबूज़र 9वें दर्जे पर है, और सलमान 10वें दर्जे पर है। ठीक, ये तो हदीस सुनिए, बार बार की सुनी हुई हदीस है। तो इसके माना ये हुए कि अब ईमान में सलमान से ऊपर और कोई नहीं, इसके माना ये हुए कि मेरा सवाल है, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जनाब सलमान अगर 8वें दर्जे पे मिकदाद है, 9वें पे अबूज़र है और 10वें पे सलमान है, तो सारे के सारे ईमान के दर्जे सलमान ले गए।
ये बात उन लोगों के ईमान की हो रही है कि जिनका ताल्लुक मासूमीन में से नहीं है, ये आम लोगों की बात हो रही है। अच्छा, आम लोगों में से कुछ खास हैं। सलमान ऐसा खास है कि जिसके ईमान का मुकाबला आम इंसान भी नहीं कर सकता। जब आम उम्मती सलमान के ईमान की पहुंच तक नहीं पहुंच सकता तो भूल जाओ अबुल फजल अब्बास तक पहुंचने की बातें, भूल जाओ मुस्लिम इब्ने अकील तक पहुंचने की बातें। कोई ये कहता कि मैं सलमान जैसा, भाई नहीं कह सकता कि मैं सलमान जैसा। क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है, उसकी चादर इतनी बड़ी नहीं है कि वो ये कह सके मैं सलमान जैसा। तब तो जब कोई सलमान की बराबरी ना कर सके तो भूल जाओ ये कहना। क्यों? अब सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम इब्ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात आई है एक दुरूद में, जब आप जनाब सलमान की बात करेंगे। अच्छा, अब होता यूं है कि जिस तरह से बात बयान की जाए उस तरह से इंसान के जहन के अंदर एक खाका बन जाता है। ऐन मुमकिन है कोई इस तरह से बयान करे कि उसके बयान करने से ऐसा लगे कि जिसकी तारीफ बयान की है वो मौला अब्बास के बिल्कुल करीब करीब है। तो हो सकता है कि उसके बयान के अंदर कोई ऐसी खामी रही हो, लेकिन अगर ये गलती है तो फिर तो एक और बात है। लेकिन अगर कोई जानते बूझते ये काम करे तो फिर तो सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ही की बारगाह से जो उसका फैसला होगा वो होगा। लेकिन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से, अब जब आपने जनाब सलमान के लिए सुना जुमला रसूल ने क्या फरमाया, रसूल जनाब सलमान जैसे के लिए क्या फरमा रहे, मिन्ना अहलल बैत, ईमान के 10वें दर्जे पर है। और मैं मिसाल के लिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा हूँ, वरना जिक्र बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का भी हो सकता है, वरना जिक्र और भी हस्तियां हैं उनका हो सकता है, बीबी उम्मुल बनीन का जिक्र हो सकता है। सरकारे मोमिन कुरैश शेखुल बथा बैज़तुल बलद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी हो सकता है। लेकिन अगर जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बात आई है तो सुनिए, जनाब सलमान के लिए ये जुमले आ रहे हैं मासूम के ईमान के 10वें दर्जे पर है, मिन्ना अहलल बैत है, और मौला अब्बास के लिए क्या जुमला आ रहा है मासूम का, इमाम हुसैन का, इरकब बिनफ्सी अंता या अखी, ऐ मेरे भाई सवार हो जा, मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊं। अच्छा, दूसरा क्या जुमला आ रहा है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए, छठे इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि कयामत में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का वो मकाम होगा कि जिस मकाम को मलाइका देखकर फख्र करेंगे। कौन है मलाइका? भाई मलाइका वो हैं कि जिनका मकाम वो होगा कि जिनके मकाम को देखकर इंसान कयामत में फख्र करेंगे। कयामत में इंसान, अभी मासूम की बात तो फिर बाद में आएगी कि उनका मकाम क्या होगा, बात हो रही है मलाइका की। इंसान जब मलाइका का मकाम देखेंगे मैदान हश्र में, महशर में, तो उनके मकामात को देखकर, मलाइका के मकाम, आली मकाम को देखकर इंसान फख्र करेगा। तो जिसके मकाम को देखकर इंसान फख्र करे मैदान हश्र में उसे मलाइका कहते हैं, और जिसके मकाम को देखकर मलाइका भी फख्र करे उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये बात तो यूं ही आ गई। मैं अब जो अर्ज करना चाह रहा हूं उसकी तरफ बढ़ता हूं, वरना फिर बात कहीं से कहीं ना चली जाए। तो अब सरकार अबुल फजल अलैहिस्सलाम एक तो दायराए इस्मत कुबरा है कि जिसमें सिर्फ 14 हैं, और उसके बाद उस दायरे के बिल्कुल करीब तरीन जो शख्सियतें हैं, जैसे सरकार अबुल फजल अलैहिस्सलाम, जैसे कि बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जैसे कि हज़रत अबू तालिब, जैसे कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जैसे कि शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, ये मुस्तकिल एक मौजू है, फ़ज़ाइल फ़र्ज़ंद हुसैन मौला शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम। क्यों? सिर्फ एक इशारा करूँ और फिर दोबारा सरकार अबुल फजल अलैहिस्सलाम की तरफ आता हूँ कि
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اولاد الحسین کے اندر علی ابن الحسین یعنی کہ حضرت علی اکبر آ گئے تھے یا نہیں آ گئے تھے؟ پھر الگ سے السلام علی الحسین کے بعد وعلی علی ابن الحسین کیوں کہا گیا؟ خاص طور سے ذکر کرنے کے معنی ہے کہ خاص مقام و منزلت ہے. وہ مقام و منزلت قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے, روایات اہل بیت اطہار سے ثابت ہے, مگر ہم ابھی اس طرف نہیں جائیں گے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے, کہ جو تردن للباب آ گئی. جب معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا آپ, تو امام معصوم علیہ السلام کی زیارت 14, ان 14 تنوں کی, ان 14 ہستیوں کی زیارت, ان کی زیارت کا پروٹوکول یہ ہے. بہت سارے آداب ہیں, ایک ادب یہ ہے کہ جو 14 کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں آیا, وہ یہ ہے کہ جب ان کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو چہرہ زری کے سامنے ہوتا ہے. اس طرح سے کھڑے ہو, چہرہ زری کے سامنے ہو, پشت قبلے کی طرف ہو. یہ ہے استحباب, مستحب ہے کہ جب ایک امام معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس طرح سے اپنی پوزیشن رکھے, زیارت پڑھتے ہوئے سلام کرتے ہوئے, کہ چہرہ ان کی زری کی طرف ہو, پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو. اور 14 کے علاوہ جن ہستیوں کے لیے یہ استحباب ثابت ہے, یعنی جہاں پر بات ثابت نہ ہو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے کار ثواب ہے لیکن مستحب نہیں ہوگا, جہاں پر یہ مستحب ثابت ہے وہ ہستیاں دو ہیں, ایک سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام اور ایک شہزادی زینب کبریٰ بنت علی ام المصائب سلام اللہ علیہا. کہ جب ان ہستیوں کی زیارت, ان دو کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو معصومین کی زیارتوں والا پروٹوکول وہاں پر باقی ہے اور وہاں پر موجود ہے, اسی طرح سے کھڑے ہو کر آپ زیارت کرتے ہیں. تو کون ہوتا ہے صحابی؟ صحابی وہ کہ جو ساتھ تو رہے مگر ساتھ رہنے کا تقاضا جو ہے وہ بھی پورا کرے. کیا؟ سر تسلیم کو خم رکھے, تعظیم کے مراحل کو ادا کرتا رہے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے, تب یہ کہا جائے گا کہ رسالت مآب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ. اچھا اب جناب میثم تمار کون ہے؟ مولا کائنات کے صحابی ہیں, لیکن رسالت مآب بتا گئے ہیں. کیا بتا گئے ہیں؟ کہ اس کا نام سالم ہے, وہ جو تمہارا صحابی ہے نا, ایک جو ہوگا اس کا نام سالم ہے. جب اس سے ملنا تو اسے بتانا کہ رسول بتا گئے, وہ تمہیں بتائے گا کہ میرا نام میثم ہے. نہیں, بہت معذرت کے ساتھ الٹا کہا میں نے, وہ تمہیں بتائے گا میرا نام سالم ہے. تم اس سے کہنا کہ رسول تمہارے بارے میں خبر دے گئے, مجھے بتا گئے تمہارا نام, کہ تمہارا وہ نام جو تمہارے والدین نے رکھا تھا تمہاری ولادت کے وقت, وہ میثم تھا. تو کہا یا ابو الحسن یا امیر المومنین قد صدق رسول اللہ, رسول اکرم نے بالکل سچ فرمایا, بالکل صحیح فرمایا کہ ایسا ہی تھا, میرے ماں باپ نے میرا نام میثم رکھا تھا. میں یہودی عورت کے یہاں پر جب سے غلام ہوا ہوں, میں جب سے ان کے یہاں پر, اس کے یہاں پر غلام ہوا ہوں, اس نے میرا نام میثم سے تبدیل کر کے سالم رکھ دیا تھا. کمیل ابن زیاد نخعی رسول کے اصحاب میں سے بھی ہیں, لیکن اصحاب امیر المومنین علیہ السلام دور, وہ دور کے جس دور کے اندر آپ نے بروز اختیار کیا, بہت بیان ہو کے سامنے ہے, وہ مولا کائنات علیہ السلام کا دور. کیا ہو رہا ہے؟ مولا امیر کائنات علیہ السلام جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں پر کمیل کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. تو کمیل کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا مولا کائنات نے کمیل سے, پوچھا یا کمیل یہ بتاؤ کہ نفس حقیقت, حقیقت کے کیا معنی ہے؟ مولا نے نفس اور حقیقت سکھلا, نفس اور حقیقت کی حقیقت جناب کمیل کو سکھائی ہے, اور یہ ان کی زیارت کے اندر ہے. میرا سلام ہو اس پر کہ جس کو مولا امیر کائنات علیہ السلام نے نفس کی حقیقت بھی بتائی اور حقیقت کی حقیقت بھی بتائی. اب جب پوچھا ہے تو کمیل نے کیا جواب دیا؟ والا دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ اس چڑیا کا نام ہے.
या नफ्स जो है वो इस शय को कहते हैं जो लेबोरेटरी में इस तरह से बनती है, नहीं। ये मैं मिजाहन अर्ज कर रहा हूं समझाने के लिए कि जब मौला अमीर कायनात जिब्रील का उस्ताद जनाब कुवैल से पूछ रहे हैं कि क्या जानते हो हकीकत के बारे में, क्या जानते हो नफ्स के बारे में और क्या जानते हो रूह के बारे में, ये तीन चीजें क्या जानते हो उसके बारे में, क्या जवाब दिया कुमैल ने? जनाब कुमैल ने कहा कि या अबुल हसन मैं कुछ नहीं जानता, जाकर तारीख में पढ़िएगा, यही जवाब दिया मौला मैं कुछ नहीं जानता। जब कुमैल ने कहा मैं कुछ नहीं जानता तो अली के बने अभी तालिब अलैहि सलाम को जितना कुमैल के जर्फ में जगह नजर आई उतना सिखा दिया, जितने जर्फ है कुमैल के अंदर जगह थी उतना पूरा का पूरा जर्फ कुमैल का भर दिया। ये मैं बहुत एहतियात के साथ जुमला कह रहा हूं, वरना अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम ने जो कुमैल को बताया नफ्स के बारे में बस उतना ही नहीं है। एक बहरे बेकराब फैला दे अली इब्न अबी तालिब अगर फकत नफ्स के नून पर गुफ्तगू करने की इजाजत दी जाए। अली के अपने अभी तालिब अलैहि सलाम तो बयान कर देंगे, समझने वाले अकले कहां हैं, वो सीने कहां हैं कि जिन सीनों के अंदर वो राज समा जाए। वो राज कहां किस सीने के अंदर समा जाएगा? हम तो यहां इस बात पर रोते हैं कि मौला की वो हदीस, मौला ने फरमाया क्या था, लोगों ने समझा क्या, जो मौला कहना चाह रहे हैं वो मौला ने लोगों ने नहीं समझा, तो क्या होता है? यही होता है जब तक बात हम ये कहते हैं कि इंसान जो है वो, अब बहरहाल छोड़ दीजिए उस तरफ हम नहीं जाते, हम जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं। और फिर अंदाज देखें मौला अमीर कायनात का अलैहिस्सलाम, वो जो जुनूदुल अक्ल वल जहल है वो हदीस पढ़ने के काबिल है। वैसे तो किताब उसूल काफ़ी सिर्फ लाइब्रेरियों में सजाने के लिए नहीं है, पढ़नी चाहिए, किताब हुज्जत ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, जो अकायद और ईमान के शकूक है ना यकीनन काफ़ी हद तक उससे बरतरफ हो जाएंगे। बल्कि ये तो मैंने बहुत बहुत ही मुश्किल बात कह दी, बहुत मुश्किल बात कह दी मैंने, किताब हुज्जत उसूल काफ़ी की किताब हुज्जत ये बहुत मुश्किल टास्क दिया मैंने, बहुत माजरत के साथ, आसान बात मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के दर से जो भीख मिलती है थोड़ी सी उसके रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। ज़ियारत आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम का तर्जुमा पढ़ लीजिए। अच्छा अगर नहीं पढ़ रहे सिर्फ ज़ियारत जामिया देख लीजिए, सिर्फ ज़ियारत जामिया सिर्फ नहीं है, ज़ियारत जामिया कबीरा का तर्जुमा देख लीजिए। मैं तर्जुमा अगर कह रहा हूँ तो इसके कतन माना ये नहीं है कि अगर अरबी पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, देखो तर्जुमा पढ़ो तर्जुमा, मैं कतन ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इस बात का कतन वो कहने के वो नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्या भाई जो अरबी है वो अरबी कहाँ से आ रही है? इमाम मासूम की ज़ुबान मुबारक से आ रही है, ये वो ज़ुबान मुबारक है कि जो दिन दिन हो रहा है और कह दे इस वक्त रात हो रही है तो परवरदिगार उनकी उनके कहे को पूरा करने के लिए सूरज को गुरूब कर देगा, ये उनकी ज़ुबान से निकल रहा है, जो निकल रहा है जो जारी हो रहा है, ये जो इल्म का सैलाब और ये मारिफत का समंदर बह रहा है ये उस मासूम जुबान से बह रहा है कि जिस जुबान से लगा हुआ सीना परवरदिगार आलम के राजों के खजाने का मंबा है। हमारे सीने अल्लाह के इल्मी खजानों का मंबा है। तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं कि जनाब कुमैल जुनूदुल अक्ल वल जहल, ठीक है, जुनूदुल अक्ल वल जहल से बात आई थी उसूल काफ़ी पर और उसूल काफ़ी के अंदर किताब हुज्जत, और फिर उससे और बढ़कर आसान अगर आप ये देख रहे हैं तो ज़ियारत जामिया ज़रूर पढ़ें, ज़ियारत जामिया, ज़ियारत जामिया, ज़ियारत जामिया, आशूरा आशूरा आशूरा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आशूरा, नाफिलतुल लैल नाफिलतुल लैल नाफिलतुल लैल, मफातिहुल जिनान के अंदर मौजूद है सैयद रश्ती का जो वाक़िया है ग़ालिबन उसके अंदर इमाम ज़माना अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात और ये तीन चीज़ें पढ़ने का कहा। तो हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि जनाब कुमैल के लिए मौला कायनात अलैहि सलाम बार बार उस हदीस से जुनूदुल अक्ल वल जहल के अंदर क्या फरमा रहे हैं, ये फरमा रहे हैं या कुमैल आके लिए होता है,
या कुमैल आकिल ऐसा होता है, या कुमैल जाहिल ऐसा होता है, या कुमैल अकल रखने वाले की ये खसूसियात हैं, या कुमैल जहल रखने वाले की ये खसूसियात हैं, ये कहे जा रहे हैं मौलाए कायनात। और आप अगर जाकर देखेंगे तो उस हदीस की इबारत के अंदर जिसे मतन हदीस कहा जाता है, मतन हदीस के अंदर या कुमैल को हज़फ़ नहीं किया है, या कुमैल हदीस के मतन में शामिल है, या कुमैल हदीस के मतन में शामिल है। अब कोई हाथों को जोड़कर अपने आप को ज़ाते गिरामी कदर अमीर कायनात पर फिदा करके, हमने तो यही सीखा असहाबे रसूल और असहाबे अमीरुल मोमिनीन से कि जब आए हैं पूछने के लिए कोई सवाल तो पहले ये कहा है जुइल तो फिदा का या रसूल अल्लाह, जुइल तो फिदा का यबना रसूल अल्लाह, और उसके बाद कोई सवाल रखा है और सवाल रखे और पूछे कि या भाई या अमीरुल मोमिनीन ये या कुमैल आपको एक्स्ट्रा नहीं लग रहा अपने कलाम के अंदर, इसको हटा दीजिए, बार बार या कुमैल कहने की ज़रूरत क्या है। ये तो अगर आप जो आज कह रहे हैं और ये इमला हो रहा है और ये डिक्टेट करवा रहे हैं तो ये तो पूरा का पूरा हदीस के मतन के अंदर जाएगा, या कुमैल भी हदीस के अंदर आएगा और या कुमैल लिखा हुआ है। मौला इरशाद फरमाएंगे कि कुमैल इब्ने ज़ियाद इतना मुझे पसंद है कि मुझे अच्छा लगता है बार बार या कुमैल कहना, मुझे अच्छा लगता है या कुमैल कहना। क्या किया कुमैल ने सारी ज़िंदगी, क्या किया? जो काम कुमैल ने किया, शिद्दत से अली इब्ने अबी तालिब से प्यार किया है, और इसके नतीजे में जो हुआ है कुमैल से, जो अच्छे अच्छे काम सरजद हुए हैं वो इस इश्क और इस मोहब्बत और इस मवद्दत के नतीजे में हुए हैं सारे के सारे काम। लिहाजा जो पहला दर्स हमें असहाबे रसूल और असहाबे आइम्मा सिखला रहे हैं वो ये कि अपनी जबीन इश्क को, अपनी अक्ल को बारगाह इमामत में अलैहिस्सलाम लाकर ऐसे सरेंडर कर दें, ऐसे तस्लीम कर दें और ऐसे रख दें। भाई आप ये कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है तो इस अक्ल के हासिल करने का तकाजा क्या है? तकाजा यह है कि मैं इस अक्ल को इस्तेमाल करूं, तो बस इसीलिए मैं हर चीज़ के अंदर अक्ल इस्तेमाल करता हूं, और जब तक मुझे अक्ल से कोई बात समझ में नहीं ना आ जाए मैं आगे नहीं बढ़ता। तो ये वाकई में जो अक्लमंद है ना उसकी निशानी नहीं होती, जो वाकई अक्लमंद है उसकी निशानी ये होगी कि पहले वो ढूंढेगा। मैं बार 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 अपनी अकल दौड़ाने की बजाय एक ऐसी अकल को तलाश कर लूं कि जिससे कभी कोई गलती ना होती हो, कि जो मासूम हो, उस अकल को थाम लूं कि जहां तक पहुंचना है मैंने, यानी कि बारे इलाह रब्बे जुलजलाल, उनसे करीब तरीन अकलें कौन सी हैं, उन अकलों में से किसी एक अकल को थाम लूं, और वो जो कहते जाएं मुझे पता हो कि ये जुबान इनकी है मगर लिसानुल्लाह है, हाथ इसके हैं मगर यदुल्लाह है, नफ्स इसका है मगर नफ्स रसूल है, जो ये कह रहा है खुदा उसे ओन कर रहा है, कह रहा है कि ये जो कहा है ये इसने नहीं समझो मैंने कहा है। अगर मैंने उसकी इत्तबा करना शुरू कर दी तो फिर इसके माना ये है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा कि जहां तक मैंने पहुंचना है बारे बार का इलाही के अंदर परवरदिगार आलम से कुर्ब हासिल हो जाएगा। अच्छा ये भी, अब परवरदिगार आलम से कुर्ब हासिल करने के माना क्या है ये फिर किसी और दिन सही, लेकिन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपकी खिदमत में ज़रूर रख के जा रहा हूँ कि कुर्ब इलाही, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के माना दरअसल क्या है। ठीक है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि चूँकि आज का दिन, आज की रात मौला सरकार अबुल हसन आका अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलातो व सलाम के एतबार से उनसे मंसूब है, लिहाजा उनके एतबार से कुछ गराइज चंद गराइज आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज करना चाहेंगे। सदूक, शेख सदूक ने उयून अखबार रज़ा के अंदर अहमद इब्ने अबी नसर बजंती से नकल किया। कौन है इमाम मासूम, कौन होता है?
इमाम मासूम वो होता है कि जो इंसान के दिलों के अंदर आ जाने वाले, पैदा हो जाने वाले ख्यालात को जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, मगर उनका फ़ैसला ज़ाहिर पर होता है। इमाम अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ज़ाहिर पर होता है, लेकिन दरअसल जो सामने आने वाला शख्स है उसके दिल में क्या चल रहा है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर अंदाज़ से जानते हैं। वो ये कहता है कि मैंने ये नीयत की, मैंने सोचा मौला का चाहने वाला। अच्छा, इसी तरह की एक और रिवायत अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने ईसा बसायरुद दरजात के अंदर ये रिवायत भी मिलती है। वो कहता है कि मैंने ये दिल में सोचा कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाऊँगा और आका से उनके तन पर सजा हुआ लिबास मांगूंगा ताकि उससे अपना कफन बना सकूं। ठीक, क्या नियत कर रहा है कि मैं जाऊंगा मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में और जाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मौला अगर हो सके तो जो आपके पहने हुए लिबास हैं वो मुझे अता करें, बस इतना कहूंगा। दिल में मेरी नीयत यह है कि मैं उससे अपना कफन तैयार करूंगा और कुछ रकम आका व मौला से तलब करूंगा ताकि अपनी बच्चियों की शादी के लिए कंगन उस रकम से तैयार कर सकूं, तीन बेटियां, और एक कंगन 10 दिरहम का, तकरीबन उस जमाने के 10 दिरहम का बनता है। तो कुछ रकम उसने जहन के अंदर रखा कि मैं मौला की खिदमत में जाऊंगा और मौला से कहूंगा और मुझे इस तरह से मौला देंगे, ज़रूर देंगे। जब वो आका व मौला बाबुल हवाइज अबुल हसन, आका अनीसुन्नफूस शम्सुश्शुमूस मुइनुज़्ज़ुआफ़ा मुगीसुश्शियत व ज़ुवारे फ़ी यौमिल जज़ा मौला की बारगाह में आया है, तो आका ने जैसे ही इसे आता हुआ देखा तो ग़ुलाम से कहा कि ये आए हैं, मेरा जो फलां लिबास है उसे धोकर, ये रिवायत है, उसे धोकर, उसे पाक करके, उसे साफ पाक करके, बहुत माजरत, उसे साफ करके, उसे धोकर ला के इनके हवाले कर दीजिए और मेरी जानमाज के नीचे कुछ रकम पड़ी है, जितनी रकम मौजूद हो सारी की सारी रकम ला के इनके हवाले कर दीजिए। ये इसी इरादे से, यही कुछ इन्हें चाहिए, ये लेने के लिए आए हैं। अब जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के नीचे से रकम निकाली है तो वो रकम कितनी थी, 30 दिरहम। वो 30 दिरहम ला के अहमद इब्ने अबी नसर के हवाले कर दी और मौला का लिबास, चूँकि मौला ने कहा था कि धोकर लेकर आना, अहमद इब्ने अबी नसर ने कहा कि नहीं खुदा रहा, मौला इजाज़त दीजिए कि जिस तरह से आपका वो लिबास पड़ा हुआ है उसी तरह से मुझे चाहिए, ला कर दिए। क्या है ये, क्या है यह, है शिद्दत इश्क। इसे शिद्दत इश्क अहले बैत, शिद्दत इश्क इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं। सुनते जाइएगा ज़रा सा, सुनते जाइएगा, ये एक मिसाल हो गई। एक दूसरी मिसाल इमाम के इल्म गैब की, इमाम मासूम मनसूस मिन अल्लाह के इल्म गैब की एक और मिसाल, ये बसायरुद दरजात की रिवायत, और आने वाला शख्स ये कहता है, रिवायत करता है कि जैसे मैं मौला की खिदमत के अंदर बैठा हुआ था उस मजलिस में कि जहाँ पर मौला इमाम मासूम तशरीफ़ फरमाए, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम, मुझे उस वक्त प्यास महसूस हुई और जब मुझे प्यास का गलबा हुआ, शिद्दत से मुझे प्यास महसूस होने लगी, मेरा दिल चाहा कि मैं मौला से पानी तलब करूँ, लेकिन मुझे शर्म आई, मुझे शर्म आई कि मैं मौला से कहूँ कि मुझे पानी पिला दें, मौला किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, मौला की गुफ्तगू में खलल आ जाएगा, सबके सामने मैं मौला से कैसे कह सकता हूं कि मौला मुझे पानी दे दीजिए। ये क्या हुआ, ये मौला की ताजीम कर रहा है। इससे पहले की मिसाल क्या है, शिद्दत इश्क की मिसाल, और ये वाली मिसाल साथ में एक मौजू वो चल रहा है कि इमाम का इल्म गैब। अब जरा देखिएगा, उसने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सामने, गुलाम था, उसे कहा जाओ और फलां ज़र्फ के अंदर एक मशरूब रखा हुआ है वो ले आओ, और वो लाए और कहा कि इनके सामने रखो, इब्ने ईसा उनके सामने रखो, उनके सामने रख दिया गया और कहा इब्ने ईसा ये पी लो, इसे पी लो। वो मुस्कुरा कर उस मशरूब को पीने लगा, जैसे ही पी लिया
तो कहता है कई दिन गुजर गए मुझे प्यास महसूस न हुई, कई दिन गुजर गए मुझे फिर प्यास महसूस ही ना हुई। ये किस बात का सिला है? ये इमाम अलैहिस्सलाम की ताजीम का सिला है। अगर मांग लेता तो सिर्फ पानी मिलता, ना मांगा ताजीम की वजह से खामोश रहा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कैसा मशरूम लाकर पिलाया, कई दिन गुजर गए प्यास ने उसको तंग ना किया, प्यास ने उस पर गलबा ना किया। अच्छा, एक ऐसा वाकया उम्मे ऐमन के हवाले से भी जो अय्याम फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा में आप सुना करते हैं। हम मसाइब की मंजिल से दूर हैं लेकिन आगाज तो हो गया है सैयदा की मुसीबतों का। हम किन दिनों के अंदर ये मजलिस कर रहे हैं? हम जब मसाइब की तरफ आते हैं तो फिर कुछ जिक्र उस एतबार से होगा। ये दो मिसालें हो गई। तीसरी मिसाल ये कि जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब इमाम की शहादत हुई तो उसके बाद मैं इस एतबार से शक के अंदर मुबतला हो गया कि सातवें इमाम के बाद अब कौन है कि जो मनसब इमामत पर फायज हुआ है। मैं शक के अंदर मुबतला हो गया और मेरे लिए जवाब बन नहीं पड़ रहा था। मैंने ये सोचा कि क्या करना चाहिए। यक बयक मुझे ख्याल आया कि मुझे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम को ख़त लिखना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने मौला की खिदमत में ख़त लिखा तो मैंने ख़त में इतना लिखा था बस कि आप मेरा सलाम कबूल कीजिए, मुझे ख़ुद से मिलने की इजाज़त दीजिए, बताइए कि आप कहाँ हैं, मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे जहनों में कुछ सवाल हैं, बस इतना कहा। जैसे ये ख़त लिखकर भेजा है इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब आया। मौला का जवाब ही आया कि हमारा भी तुम पर सलाम और अफान अल्लाह व इयाका, परवरदिगार तुझे भी आफियत दे, हमें भी आफियत दे और तुझे भी आफियत का लिबास ओढ़ाए, आफियत का लिबास अता करे, पहनाए। हालात ऐसे हैं कि जासूस हम पर निगरानी रखे हुए, मुझ पर निगरानी रखे हुए और इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम मुझसे मुलाकात कर सको, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा मुझसे मिलना और जल्द ही ये हालात बेहतर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? वो ये कहता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ये ख़त वापस आया, इस ख़त में मेरे सारे सवालों के जवाब मौजूद थे। कहता है कि मैं उस इबारत को पढ़कर समझ गया कि नंबर एक, मैं इमाम से मिल नहीं सकता। इमाम से मिलने का यानि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम से मिलने का मकसद ये था कि मुझे ये पता चल जाए कि इमाम कौन है। मेरे जहन के अंदर पैदा होने वाले सवालात को जानकर उनके जवाबात ख़त में लिखकर इरसाल करना इस बात की दलील है कि यही वो है कि जो इमाम बरहक है, कि जिनकी इताअत परवरदिगार आलम ने मुझ पर फ़र्ज़ की है। मौला की उन इबारतों के अंदर भी वो ताकत है कि जिसे पढ़कर उसे हिदायत मिल रही है, वो समझ रहा है, पहुँच रहा है। चलिए अब इससे बढ़कर एक और मिसाल, अब्दुल्ला इब्ने मुगैरा मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है और माजरत के साथ मक्का के अंदर मौजूद है, मदीना में नहीं, मक्का के अंदर मौजूद है और तवाफ़े काबा किया, हज किया, हज से फारिग हुआ। किस फ़िरके से उसका ताल्लुक है? फ़िरक़ाए वाकिफिया। कौन सा है फ़िरक़ाए वाकिफिया? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में एक नए फ़िरके ने जन्म लिया था और उस फिरके का नाम था फिरकाए वाकिफिया। वाकिफिया मतलब वाकिफ मसलक से ताल्लुक रखने वाले, वाकिफ फिरके से, वाकिफ यानी वक्फ करने वाला, तवक्कुफ करने वाला, रुक जाने वाला, किस चीज पे रुक जाने वाला। एक बाकायदा पूरा ग्रोह था कि जो ये कहता था कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम नहीं है, इमाम नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, बल्कि इमाम कौन है? सातवें इमाम। अच्छा, वो तो शहीद हो गए। कहा शहीद तो जिंदा होता है,
और अगर सातवें इमाम जिंदा हैं तो फिर बौरा रजा इमाम कैसे बन सकते हैं? देख रहे, यह अकल की जो इंसान को गुमराह कर रही है, क्योंकि सिर्फ अकल का सहारा लिया है। अकल के सहारे से नतीजा तो निकल सकता है, मगर वो नतीजा सही होगा या सही नहीं होगा ये अकल नहीं बताएगी। ये वो बताएगा कि जो हकीकतों से वाकिफ है, ये वो बताएंगे कि जो लोहे महफूज के जानने वाले हैं, ये वो बताएंगे कि जो इल्म लदुन्नी के मालिक है, ये वो बताएंगे कि जो उलूम अंबिया का सर चश्मा है। उलूम अंबिया का सर चश्मा कैसे चले पैरल, उलूम अंबिया का सर चश्मा है, जहां पर अंबिया को कहीं पर मुश्किल आई है तो जिन्होंने मदद की वो यही है। अच्छा खैर, अब ये सुनिएगा, मैं फिर उसकी तरफ वापस जाऊंगा, शिद्दत इश्क की तरफ जाऊंगा। ताजीम वाला तो नतीजा हमने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि ये जो उसको मिला ये ताजीम की वजह से मिला, वरना सादा पानी मिलता। ये जो कभी प्यास नहीं लग रही इतने दिनों तक, ये ताजीम जो ऐड हुई है ना उसके अंदर, ये उसकी वजह से परवरदिगार ने उसे अता किया है। अब इसके अंदर बहरहाल बात हो सकती है कि सिर्फ ताजीम ताजीम नहीं होती, या यकीनन परवरदिगार आलम अगर कोई शख्स आके अलम मुबारक को देखा, कोई आ रहा है अलम मुबारक को यूँ हाथ उठा के, कोई थोड़ा सा सर झुका रहा है, कोई किसी तरह से एहतराम कर रहा है, कोई किसी तरह से एहतराम कर रहा है, अलम मुबारक के सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, ये अलम पाक शाइरुल्लाह में से है या नहीं है? अगर ये शाइरुल्लाह में से है तो इसकी ताजीम करना कुरान करीम की आयत शरीफ के नतीजे में दिलों के तकवा का बायस है या नहीं है? तो अगर कोई एहतराम कर रहा है अलम पाक का, तो अब जिसके दिल में सवाल आ रहा है वो अपने ईमान के नक्श का इजहार कर रहा है। खैर, वो तो ताजीम की बात हो गई। तो अगर कोई इस तरह की ताजीम कर रहा है, कोई शख्स या कोई फर्द, अब बहरहाल ये बात बहुत तुलानी हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, हम आ जाएं वापस शिद्दत इश्क की तरफ, मैं वापस आऊंगा, बस इतना याद रखिएगा। लेकिन रहनुमाई और इंसान को हिदायत किस दरवाजे से मिल सकती है वो ये सुन लीजिए। कहा कि मैं फिरका वाकफिया से था, जब मेरी काबा पे निगाह पड़ी तो मेरा ईमान मुतजलजल हो गया, मैं मशकूक हो गया, यानी कि एक स्टेप पीछे आ गया। कल तक मैं फिरका वाकफिया को 100% सही समझता था, आज जब मैंने काबे का तवाफ किया, काबा को देखा, तो क्या हुआ, मैं जरा सा पीछे आया, मुझे फिरका वाकफिया ठीक नहीं लगने लगा। मैंने आपको बता दिया कि फिरका वाकफिया क्या है, उसका बहुत एक जुमले के अंदर हमने अर्ज किया कि जो लोग ये समझते थे कि सातवें इमाम जिंदा हैं, और अगर सातवें इमाम शहीद होने की वजह से जिंदा है तो फिर आठवें इमाम कैसे इमाम हो सकते हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब वो बैठता है, बहुत रोता है कि बारिलाह मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है काबा को देखने के नतीजे में, खुद कह रहा है कि मुझे मेरी निगाह काबा पे पड़ी और मेरा ईमान वाकफिया फिरके से मुतजलजल हो गया, डगमगा गया, मैं बैठ के बहुत रोया। भाई ये तो है ना कि इंसान अगर अल्लाह के घर को देख रहा है तो काबातुल्लाह को सिर्फ देखने वाले को 60 नेकियां हर वक्त मिलती रहती हैं, या 40 नेकियां हर वक्त मिलती रहती हैं, मस्जिदुल हराम के अंदर तवाफ करने वाले को कुछ नेकियां, मस्जिदुल हराम के अंदर नमाज पढ़ने वाले के लिए कुछ नेकियां, और मस्जिदुल हराम के अंदर बैठे बैठे कुछ ना करो सिर्फ काबे को देखते रहो तो कुछ नेकियां इंसान के नामा आमाल में लिखी जाती रहती है। ये काबा का मकाम है, ये काबा की अजमत है। तो जब उसकी अजमत इतनी है तो यही तो वजह है कि जब उसने काबा को देखा तो उसे परवरदिगार आलम ने जरा सी रोशनी अता की हिदायत की और उसे हिदायत की तरफ खींचा, यानी कि उसके उस फिरके वाकफिया को डगमगा दिया, हिला दिया। बैठकर बहुत रोया, बहुत रोया। जब रोया तो उसके जहन में ख्याल आया कि मुझे 2 रकअत नमाज पढ़नी चाहिए। यह खुद लिख रहा है, खुद कह रहा है कि मेरे जहन के अंदर मुझे ख्याल आया कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, 2 रकअत नमाज पढ़ी। उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार मुझे हिदायत अता फरमा। जैसे ही मैंने ये दुआ की, उसी इसना में जब मैं दुआ कर रहा था, मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे मदीना जाना चाहिए। जब मैं मदीना पहुंचा, मदीना में कौन, हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलातो व सलाम मौजूद है। जैसे मैं मदीना के करीब पहुंचा
तो मुझे ख्याल आया कि मैं यहां पर तलाश करूं फर्जंद रसूल, रसूल की आज से ताल्लुक रखने वाला उनका कौन सा बेटा यहां मौजूद है। लोगों ने बताया अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, सुनिएगा, जैसे ही मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसे जैसे ही आता देखा उसने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया और कहा मुबारक हो परवरदिगार आलम ने तुझे हिदायत अता फरमा दी। इसके माना क्या हुए, हमारे दर पर आ जाना इस बात की दलील है कि परवरदिगार आलम ने तुझे हिदायत अता की। आया कहां था, आगाज कहां से हुआ, काबे से, और उसकी इंतहा कहां हुई, दर मूसर रज़ा अली इब्ने मूसर रज़ा अलैहिस्सलाम पर। यानी कि परवरदिगार आलम ये ताकत और कुदरत रखता है कि अगर कोई शख्स कुछ ना करे बस दिल में ये ख्वाहिश रखे कि ऐ खुदा मुझे हिदायत दे दे तो परवरदिगार आलम उसे हिदायत अता कर सकता है। किसके सदके में, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के सदके में। यही तो वजह है, यही वजह है कि अब यहां पर जरा फजीलत का एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर आगे बढ़ जाए कि यकीनन काबतुल्ला की ये फजीलत है कि इंसान को हिदायत दिला जाए। तो जब काबा की ये फजीलत है तो मुहाफिज़े काबा की ये फजीलत ना होगी, और ये काबा की फजीलत है कि अन नजरो इलल काबत इबादा, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से अन नजरो इलल मुसहफ इबादा, कुरान मुसहफ को देखना इबादत है, अन नजरो इलल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है, और ये भी है अन नजरो इला वजह अली इबादा। ये चारों चीजें हैं, मगर इन चारों में से जो चारों चीजें हैं इनमें कोई फर्क है या नहीं है। अन नजरो इलल काबते ये भी इबादा, अन नजरो इलल मुसहफ ये भी इबादा, अन नजरो इलल वालिदैन इबादा, अन नजरो इला वजह अली इबादा। तो फर्क क्या है काबे में, वालिदैन में, कुरान में और अली में? फर्क यह है बैठकर काबा को देखो इबादत का सवाब, अली के चेहरे को देखो इबादत का सवाब, मगर बैठकर काबा 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 की तस्बीह पढ़ो, लफ्ज काबा दोहराओ, कोई सवाब नहीं, कोई इबादत नहीं। लेकिन जहां तुमने ये काम नाम अली दोहराने के जरिए से किया, नाम अली का लोगे तुम्हारे नाम आया अमाल में अल्लाह की इबादत का सवाब। तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के वो वाक़ा तो आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, क्या कि एक हिरनी है कि जिसका शिकार किया और शिकारी के हाथों में वो हिरनी मौजूद है, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा हिरनी ने, हिरनी ने आका को देखा, आका ने हिरनी को देखा, ज़रा सा मिनमिनाई, उसकी ख़ास आवाज़ निकली। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस शिकारी की तरफ देखकर कहा इसे इतनी मोहलत दे दे कि ये जाकर अपनी औलाद को दूध पिलाकर वापस आ जाए, बस इतनी इजाज़त दे दे। यकीन करेंगे वो शिकारी हंसने लगा, कहा कि तुम्हें किसने बताया कि इसका बच्चा भूखा है? कहा इसने खुद बताया। उसे यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, कहा कि चलो ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं करता हूं, लेकिन यह बताओ कि कोई हैवान जिसे तुमने शिकार करके पकड़ लिया उसे छोड़ा, कभी ऐसा हुआ है कि वो वापस पलट कर आया हो? कभी ऐसा हुआ है कि वापस पलट कर आया हो? कहा मगर यह हिरनी वापस पलट कर आएगी। इमाम ने कहा, तो कहा कौन जामिन? इमाम ने फरमाया मैं जामिन। यानी कौन गारंटी? कहा मैं खुद इसकी गारंटी, इसका जामिन बन रहा हूं, यानी अगर ये ना आई तो मैं तेरी गुलामी में हूं, मैं जमानत ले रहा हूं। मौला बैठ गए, मौला तशरीफ फरमा हो गए, और शिकारी मौला को देखे जा रहा है, पता तो है नहीं कि कायनात का सुल्तान है जो जामिन बन गया है एक हिरनी का है, लेकिन शक है। अब शक दूर होगा, और शक भी इमाम के सदक़े में दूर होगा, और ऐसा यकीन में बदलेगा, ऐसा यकीन में बदलेगा कि वो जुमला आप सुनिएगा आखिर में। इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे हुए, जब तक इमाम तशरीफ़ फरमाएं
तब तक वो इमाम को देख के मुस्कुरा रहा है कि ये गरीब कहाँ फंस गया है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो कहाँ आती है वापस। और देखते ही देखते वो हिरनी वापस आई, इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आती है, वापस आकर अपनी जबीन इमाम के कदमों पर रख देती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर हाथ फेरा और उस पर हाथ फेर के उसे प्यार करके इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तेरी अमानत, तेरे हवाले, ये तेरी ग़ुलामी में आ गई, अब ये तेरी चीज़ हो गई। वो ये कहता है कि मौला ये आज़ाद हो गई, आज से मैं आपका ग़ुलाम हो गया, ये आज़ाद हो गई, आज से मैं आपका ग़ुलाम हो गया। ये क्या है? ये हिदायत है परवरदिगार आलम की, जिसे चाहे मिल जाए, मगर मिली किसके सदक़े से? सरकार अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में मिली। शक नहीं है, यकीन नहीं था, शक में, शक यकीन में तब्दील हुआ। शब कदर की दुआओं में से एक दुआ है कि ए खुदा मुझे वो यकीन अता कर, अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी यकीनन तुबाशिरो बिही कल्बी, के ऐसा यकीन दे कि जो मेरे दिल में जाकर रासिख हो जाए, युज़हिबु शक्का अन्नी, मेरे दिल में ऐसे दाखिल हो कि उस दिल में मौजूद सारा का सारा शक बाहर हो जाए, यकीन दिल के अंदर आ जाए। किस शक को बाहर निकाला जा रहा है और किस यकीन को अंदर लाया जा रहा है? किस यकीन को अंदर लाया जा रहा है? यकीनन शक करने वालों ने यह भी कहा, अभी जब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की बात आई है तो एक जुमला और सुन ले, कहा कि ये जो अली इब्ने अबी तालिब काबे में पैदा हुए ये एक इत्तेफाक था। कहने वालों ने कहा ये सब एक इत्तेफाक था। क्या इत्तेफाक है भाई? मादरे गिरामी सरकारे अबुल हसन की, मौला अमीर कायनात की मादरे गिरामी अपने घर जाने के बजाय, तबीब के पास जाने के बजाय, हॉस्पिटल जाने के बजाय कहाँ तशरीफ ला रही है? मस्जिदुल हराम में। और मस्जिदुल हराम के अंदर आने के बाद एक कोने में नहीं जा रही हैं, वो आ रही हैं मरकज़े मस्जिदुल हराम, यानी कि मस्जिदुल मरकज़े ज़मीन, यानी कि खाने काबा के पास आ रही हैं, खाने काबा के पास आ रही हैं। ये सब इत्तेफाक, अपने आप को, अपने वजूद अकदस को मस कर रही है काबे के साथ, ये इत्तेफाक। उसके बाद ये जुमला कह रही है परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे भेजे हुए अंबिया पर ईमान रखती हूँ, उनके लाने वाले पैगामों पर ईमान रखती हूँ, जिन किताबों को तूने नाजिल किया उन पर ईमान रखती हूँ, ये सब इत्तेफाक। और उसके बाद काबे की दीवार फट रही है, ये भी एक इत्तेफाक। काबे के अंदर बिनते असद दाखिल हुई, ये इत्तेफाक। काबे की दीवार बंद हो गई, ये इत्तेफाक। जब दोबारा से काबे की दीवार, तीन दिन तक बीबी बिनते असद काबे में रही इत्तेफाकन, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर से दीवार काबा शक हुई, बीबी बिनते असद बाहर आई, फिर दीवार काबा जुड़ गई, ये सब एक इत्तेफाक। अब ज़रा सोचिए क्या कहना उस अली इब्न अबी तालिब का कि जिसके इत्तेफाक की ये मंजिल है कि जो दूसरों के इख्तियार से भी आगे निकल गई है, दूसरों का इख्तियार, दूसरों ने इख्तियार से भी ये काम ना कर सके, वो काम इत्तेफाकन। बहरहाल परवरदिगार हम सबको यकीन की दौलत से मालामाल फरमाए। लेकिन अज़ान मोहतरम मौला रज़ा अलैहि सलाम न फ़कत ये, बल्कि मामून के दरबार में एक ताजर आता है कुछ बालों को लेकर, और उसका कहना ये था, जैसे ही वो दरबार के अंदर आया है ना ताजर, तो दरबार के अंदर ऐसी खुशबू फैल गई कि जैसी खुशबू उससे पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। और कहता है मैं सामान्य तिजारत लेकर आया हूँ कुछ फरोख्त करने के लिए, मामून को बुलाया जाए, किसी वज़ीर से किसी ग़ुलाम से बात नहीं की, कहा अगर मामून आएगा बराह रास्त उसी से बात होगी। मामून आया और मामून ने जब आकर पूछा कि क्या बेचने के लिए, क्या फरोख्त करने के लिए लेकर आया है, कहता है कि मैं रसूलुल्लाह के बाल लेकर आया हूँ, मेरे पास फरोख करने के लिए रसूलुल्लाह के बाल हैं। कहा तेरे पास क्या दलील है कि ये रसूल खुदा ही के बाल है? कहा खुशबू। कहा ये जो उसकी खुशबू है ना, यही इसकी दलील है। कहा मुझे मानवा लेगा, लोगों को क्या दलील दूंगा मैं? और एक बाल की भारी कीमत, 1 लाख दिरहम, 1 लाख दीनार। कहा इसकी दलील ये है कि ऐसी खुशबू और
तुम्हें कहीं से यकीन कर लिया, उसने ख़रीद लिए बाल, और 7 बाल थे। मुख्तलिफ अंदाज से वाक़ियात तारीख़ के अंदर और सीरत के अंदर वारिद हुए हैं। तो जब एक मरतबा उसने ये तिजारत और ये जो ट्रांजेक्शन थी ये कर ली, बाल ख़रीद लिए और उसे रकम दे दी, वो चला गया। जब शाम हुई तो कायनात का सुल्तान मौला वाक़ा हज़रत अली इब्ने मुसर रज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम मामू के दरबार में दाखिल हुआ। जब मौला तशरीफ़ लाए तो एक मरतबा मामून ने वो बाल मौला को दिखलाए और कहा कि ये रसूल खुदा के बाल हैं। कहा किससे ख़रीदे? कहा ताजिर था फलां फलां, रकम वो बतलाई। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बालों में से 3 को अलग किया, 4 को अलग किया और फरमाया ये 3 मेरे नाना के हैं और ये 4 मेरे नाना के नहीं हैं। पूछा दलील क्या है? कहा इन 3 बालों से मुझे अपनी खुशबू आ रही है, इन 3 बालों से मुझे अपनी खुशबू आ रही है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। तो कहा ये तो मेरे लिए दलील हो गई, जो सवाल करने के लिए आएंगे उन्हें क्या दलील दी जाए। आग को रोशन किया गया, इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आग को रोशन किया जाए। जब आग को रोशन किया गया, इमाम अलैहिस्सलाम ने उन 4 बालों को एक एक करके उस आग के अंदर डाला। जैसे ही वो बाल आग में डाले जाते थे वो बाल जलकर राख हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। और जैसे ही उन 3 बालों में से 1 बाल लेकर आग में डाला गया तो आग बुझ गई। ये है आलम रसूल के बाल का। अब ज़रा सोचिए कि जब रसूल के बाल का ये आलम है तो रसूल की आल का क्या आलम होगा। अफसोस ये है कि उम्मत ने रसूल के बालों को तो थाम लिया, रसूल की आल को छोड़ दिया, रसूल की आल को छोड़ दिया। और यही वजह थी कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसे या जहर से या तलवार से शहीद ना किया गया हो। मौला हसन अलैहिस्सलाम या मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस मिलती है कि मुझे उसी तरह से जहर देकर शहीद किया जाएगा कि जैसे मेरे नाना रसूल खुदा को जहर देकर शहीद किया गया। मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अंगूरों के अंदर जहर देकर शहीद किया गया। ख्वाजा अबा सलते हरवी, एक रयान इब्ने सलते और एक अबा सलते कि जो मौला के ख़ास असहाब में से एक अबू हाशिम जाफरी हैं, ये अबा सलते हरवी मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन असहाब में से हैं कि जो मौला के साथ साथ हमेशा रहा करते थे। और इमाम अलैहिस्सलाम जब दरबार मामून में गए हैं तो ये कह कर गए हैं कि अगर मैं बाहर आऊँ इस आलम में कि मेरे सर पर कपड़ा डला हुआ हो तो फिर कतअन मुझसे गुफ्तगू ना करना, मुझसे कोई बात ना करना। इमाम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लेकर आए, अब जब मामून ने लाकर वो अंगूर रखे हैं कि जिनमें से कुछ वो थे कि जिनमें जहर नहीं था और कुछ वो थे कि जिनको जहर आलूद किया गया था, जिनमें जहर नहीं था उनमें से एक अंगूर का दाना उठाकर मामून ने ख़ुद खाया और जो मौला की तरफ रखे गए थे कि जिनको जहर से आलूदा किया गया था वो कहने लगा कि पेश करने लगा मुनाफिकत में मोहब्बत भरे अंदाज से, कहने लगा कि आप खा लीजिए रसूल खुदा के फर्जंद। और मौला ने उन अंगूर के दानों को कलमा इस्तिरजा पढ़ के एक आध दाने लिए और मौला जब उठ कर जाने लगे तो मामून ने रोका, इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? कहा जहाँ तूने भेजने का इरादा किया है मैं अब उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं अब उसी राह पर चल रहा हूँ। कहा और अंगूर नहीं लेंगे? इमाम ने जवाब फरमाया, कहा जो तू चाहता है, जो तेरा इरादा है वो इतने अंगूरों में पूरा हो जाएगा। बतला दिया कि हम जानते हैं कि तूने हम पर क्या जुल्म किया, मगर हम ये भी जानते हैं कि रब्बे जुल जलाल की मर्ज़ी क्या है।
और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, अपने हुजरे में दाखिल हुए और उस हुजरे को मौलाना ने अंदर से बंद किया। अब असल में हरबी बाहर बैठ गए। कुछ देर गुजरी, मौला की तस्बीह की आवाज़ अंदर से आना बंद हो गई। अरब व अजम का सुल्तान, अनीसुल नुफूस, शम्सुल शुमूस, मौला इस दुनिया से रुखसत हो गए। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की रूह कफ़स वसूली से परवाज़ कर गई। कुछ देर खामोशी रही, मगर कुछ देर गुजरी ही थी कि उस बंद कमरे से, कि जिसमें सिवाय मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के और कोई दाखिल ना हुआ था, पानी के गिरने की आवाज़ आने लगी। मौला के गुस्ल का आगाज़ हो चुका था। कुछ देर गुजरी है कि जब दरवाज़ा खुला है तो एक मर्तबा एक जवान को दरवाज़े से, कमरे से, हुजरे से बाहर आते हुए देखा कि जिसकी आंखों में आंसू थे इस अंदाज से कि मौला की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं रज़ा का यतीम हूँ। बाएजाज़ इमामत मदीना से मौला मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम खुरासान पहुँचे गुसल देने के लिए अपने बाबा को। गुसल दिया, कफन पहनाया और मौला का जनाजा उठा। मौला को जनाजे पे उठाकर तदफीन के लिए ले जाया गया और मौला का लाशा दफना भी दिया गया। बेटे ने आकर अपने बाबा के लाशे पर गिरिया किया, बेटे ने अपने बाबा को गुसल भी दिया और कफन भी दिया। मगर अजीज़ों, करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर उस तपती हुई रेत से एक ऐसे बेटे की मुसीबत का आलम भी सुनो कि जो इस आलम में अपने बाबा के जनाजे को छोड़कर तपती हुई रेत पर करबला से जा रहा है कि हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, गले में खारदार तौफ है और बाबा के बेकफन लाशे को देख कर, बाबा के बेसर के लाशे को देख कर सैयद सज्जाद यही कहता जाता था, ए बाबा, अगर सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां न होती, अगर ये तेरा बेटा मजलूम और मजबूर न होता तो करबला की खाक का कफन तुझे पहनाता, तुझे करबला की खाक में दफनाता। हाँ जीजो, अरे ये तो वो लाशा है कि जिस एक बेटे ने उछल दिया बाप को, मगर हाँ जीजो, एक भाई है कि जिसने जिंदान में अपनी 4 साल यतीमा बहन को ऐसे भी उछल देते हुए देखा। गसाला ने सवाल किया, अरे इस बच्ची को आखिर मर्ज क्या था कि बच्ची का कुर्ता बदन से जुदा नहीं होता? जवाब देने वाली बिनते अली यही फरमाती है, इस बच्ची को कोई मर्ज लाहक नहीं था, मगर सिमर के इतने ताजियाने खाए, इतने कोड़े खाए हैं कि कुर्ता सकीना के जिस्म से الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। इन आंसुओं को ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम खिदमत में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर तसलियत के पैगाम के तौर पर ईसाल और इरसाल फरमा। मौला, तुझे वास्ता है आका रज़ा अलैहिस्सलाम की मज़लूमी का। परवरदिगारा, हम सबको ईमान के नूर का रिज़्क़ इनायत फरमा। परवरदिगारा, मवद्दत अहले बैत का पैगाम अपनी औलाद में, अपनी नस्लों में मुंतकिल करने की तौफीक़ इनायत फरमा। दुश्मनान अहले बैत की नफ़रत अपने दिलों में रखने की तौफीक़ इनायत फरमा। बस और बस अहले बैत अथार की इताअत करने की हम सबको तौफीक़ इनायत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, में आका व मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेचाओ है मोहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मा तमे रज़ा, मा तमे हुसैन।